Friends, welcome back to the channel Brilliant Minds by Neeru. Today again I have brought one more video for you, that is on the topic Dictionary in Python. And this is for you students class 11th or 12th, whether you are studying IP or computer science. So let us start. There are 12 questions students, and each question carries 2 marks. And for that you have to mark yourself. Fine? अपने आप को मार्क्स दीजिए. ऑनेस्टली आपको हर क्वेश्चन करेक्ट आंसर के अपने आप को 2 मार्क्स देने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्विज. फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी यू यूज D1 स्क्वायर ब्रैकेट्स, D1 राउंडेड ब्रैकेट्स, D1 कर्ली ब्रेसेस, और द लास्ट ऑप्शन इज D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस. सो यू टेल मी स्टूडेंट्स. एंड द सी पार्ट जस्ट टेक केयर, देयर आर डबल इज इक्वल टू. Okay, now come on. Yes. So let us start. Should I answer? Okay, let me try with this one. Oh, it's wrong. This one again wrong. So let me try this one. D part. D1 is equal to curly braces. So you have scored 2 marks. Aapka account open ho gaya 2 marks se agar aapka answer correct hai. And students, do not forget to mention your marks in the comment section. चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इन अ डिक्शनरी द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू वैल्यूज और इंडेक्स और की और नन ऑफ दीज. यस, स्मार्टली जल्दी से सोचिए. लेट मी ट्राई. आई वॉन्ट टू ट्राई ए वैल्यूज ओ. अगेन रॉन्ग. सी पार्ट की इज द करेक्ट आंसर. हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं टू की. ओके, अगेन 2 मार्क्स अगर आपका आंसर इज करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 12 क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन टोटल. कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक और सिमिलर और कैन बी सिमिलर और यूनिक और ऑल ऑफ दीज. यस स्टूडेंट्स, फास्ट स्टार्ट करें. चलिए मैं सी पार्ट पर क्लिक करती हूँ. ओह रॉन्ग रॉन्ग. यस स्टूडेंट्स, इट शुड बी यूनिक. यस स्टूडेंट्स, इट शुड बी यूनिक. कीज जो डिक्शनरी की होती है वो यूनिक होती है, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फॉर द गिवन की. लेन फंक्शन, गेट फंक्शन, कीज और नन ऑफ दीज. यस रॉन्ग. बी पार्ट. गेट फंक्शन इज अ करेक्ट आंसर इफ यू वॉन्ट टू गेट द वैल्यूज ऑफ अ गिवन की. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिक्शनरी. ए पार्ट इज पॉप, बी इज डिलीट, सी ऑप्शन इज रैम. रैम फॉर रिमूविंग एंड डी फॉर क्लियर. सो शुड आई ट्राई दिस वन, बी पार्ट? ओ डी पार्ट. क्लियर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर इज द फंक्शन विच इज यूज टू रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिक्शनरी. अगेन 2 मार्क्स. अगर मार्क्स आपका आंसर रॉन्ग है, डोंट गिव मार्क्स टू योरसेल्फ. ओके, और अपने पास नोट करते रहिए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पाइथन कोड. डी इज इक्वल टू इन डबल कोट्स यू आर गिविंग ए कॉलन 3, मतलब की एंड वैल्यू पेयर है आपका, देन बी कॉलन 7. A dictionary D is created. A and B are the keys of the dictionary D. A and B both are correct. These 2 options are correct or an error. Yes students, कौन सा वाला correct होगा? चलिए मैं try करूं क्या C1 को? Yes. दोनों option हमारे correct हैं. हमारी dictionary create हो जाएगी और A और B दोनों keys हैं dictionary D की. Okay fine. चलिए इसके क्वेश्चन का भी 2 मार्क्स है आपके, जज कर लीजिए अपने आप को. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. ए इज इक्वल टू 1 कॉलन 5, बी कॉलन 3, 3 कॉलन 4. ए डॉट पॉप 3 प्रिंट ए. 4 ऑप्शंस आपके सामने, 1 कॉलन 5, 2 कॉलन 3, 1 कॉलन 5, 1 कॉलन 5, 3 कॉलन 4 और एरर. सिंटेक्स एरर है आपके पॉप मेथड में. क्या एरर है, मेथड है इसके अंदर जो गलत है कुछ? डू यू फाइंड एनी सिंटेक्स एरर? नो नो नो. A1 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. 1 कॉलन 5 एंड 2 कॉलन 3, दैट इज द करेक्ट आंसर.
Let's move to question number 8. Which of the following isn't true about dictionary keys? कौन सा इसमें से wrong option है, wrong answer है? More than one key is not allowed. Keys must be immutable. When duplicate keys encountered, the last assignment wins. अगर आपकी duplicate keys आ रही हैं, तो last वाली ही आपको लेनी है. Keys must be integers. Wrong. C part. When duplicate keys encounter, again wrong. Keys must be integers. Okay. Now let's move to question number 9. In key value pair, each key is separated by a space, a comma, a colon, or a hyphen. No. Colon is the correct answer. C option was the correct one. हमने 9 questions कर लिए हैं. Only 3 are left, students. Marks अपने नोट करते रहिए. Number 10. Find the output of the following program. Dictionary is equal to 1 colon how, 2 colon r, 3 colon u. How are you? Del dictionary. अगर मैंने एक command दिया del dictionary, then what will be the output? Del doesn't exist for the dictionary. Del exist. ये वाला method exist ही नहीं करता है. ये होता ही नहीं है. Second, del deletes the entire dictionary. Third, del deletes the keys in the dictionary. And del deletes the values in the dictionary. So let us try this one. Yes, students, जिन्होंने ये correct answer सोचा था, B part deletes the entire dictionary. They were right. अपने आप को 2 marks दे दीजिए. चलिए, only 11 and 12 are left. Items are accessed by the position in a dictionary. And all the keys in a dictionary must not be of the same type. ये true है या false है, students? Yes, it is true. Okay, 2 marks again. Last question की तरफ चलते हम लोग. Dictionary keys must be immutable. So that is the end of the quiz, students. इससे आपका अच्छा revision हुआ होगा. बहुत interesting भी था, I hope. और comment section में do write your जितना भी आपका score है. Okay, and keep studying, students. You played very well. All the best, students. And wait for my another video. अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है channel को, then do subscribe.